हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एजे बाइकर्स में। सो दोस्तों, पीछे आपको जो बाइक दिख रही है ये है डिस्कवर 125 cc और इसके इंजन में दोस्तों एक आवाज़ आ रही है जो कि दोस्तों काफ़ी कंफ्यूज करने वाली आवाज़ है। यानी ना काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मैकेनिक जो होते हैं वो कन्फ्यूज़ होते हैं ये आवाज़ किस चीज़ की है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सबसे पहले ना मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ, फिर आप बताना कि वो आवाज़ किस चीज़ की है। एंड में मैं आपको बताऊँगा कि वो आवाज़ किस चीज़ की होती है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको साउंड सुनाता हूँ सबसे पहले। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। चल काम नहीं कर रहा है, चलो इसकी किक लगा लेते हैं। आवाज ध्यान से सुनो आप। सुन पा रहे हो? ध्यान से सुनो। ठीक दोस्तों, चाबी ऑफ कर दी है और आपने आवाज़ सुनी। अब दोस्तों ये आवाज़ किस चीज़ की है? अब काफ़ी लोग बोलेंगे भाई ये आवाज़ है टाइमिंग चैन की, तो दोस्तों ये टाइमिंग चैन की भी आवाज़ नहीं है। और काफ़ी लोग बोलेंगे भाई इसके क्रैंक के मेन बैरिंग की आवाज़ है, तो दोस्तों मेन बैरिंग की आवाज़ भी नहीं है। हो सकता है आपको लगे कि मेन बैरिंग आवाज़ कर रही है या फिर टाइमिंग चैन आवाज़ कर रही है, तो ये उस चीज़ की भी नहीं है। या फिर आपको लग रहा होगा कि भाई ये जो केम रोकर होते हैं यहाँ पर, जो केम शाफ्ट होती है, केम शाफ्ट कट गई है, या फिर जो केम शाफ्ट के जो बैरिंग होते हैं आगे पीछे वाले बैरिंग कट गए हैं, तो दोस्तों ना ही बैरिंग कटे हैं ना ही इसकी कैम शाफ्ट ख़राब है। क्योंकि दोस्तों ये आवाज़ इस प्रकार की है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करती है एक मैकेनिक को। काफ़ी लोग तो क्या करते हैं कि इसके चक्कर में इंजन भी खोल देते हैं पूरा, क्रैंक का काम करा देते हैं, इसका बोर करा देते हैं, इसके क्या कहते हैं टाइमिंग चैन भी चेंज करा देते हैं, कैम रोकर का सेट भी चेंज कर देते हैं, तो भी ये आवाज़ नहीं जाती है। तो ये आवाज़ किस चीज़ की है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये जो आवाज़ होती है दोस्तों वो होती है मैग्नेट की। अब ये मैग्नेट अब कहाँ से आ रही है और इसको ठीक कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे अब बताऊंगा। तो चलिए फटाफट दोस्तों आपको करना क्या है, कभी भी इस तरह की आवाज़ हो जिसमें आपको टाइमिंग चैन भी डाल दिए और कैमरा कर वगैरह चेक कर लिए, बैरिंग वगैरह चेक कर लिए, टिपिट चेक कर लिए, फिर भी ये समस्या नहीं जा रही है, तो आपको दोस्तों ये मैग्नेट में चेक करना है। क्योंकि दोस्तों ये 100% मैग्नेट से ज़्यादा आवाज़ आती है, टाइमिंग चैन डालने के बाद भी आवाज़ नहीं खत्म होती है, तो ठीक है। तो मैग्नेट को खोलना है, सबसे पहले इन बोल्ट को खोलते हैं। सारे बोल्ट खोलने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है कि कवर को बाहर निकालना है। तो कवर क्या होता है कि टाइट होता है, तो ये जो नक्के दे रखे ना यहाँ पर और यहाँ पर, तो इनको दबा करके आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये मैंने पहले ही ढीला कर लिया था ताकि मैं आपको आसानी से दिखा सकूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये खुल जाएगा। और दोस्तों जो हमें काम करना है ना वो यहाँ पर करना है, यानी आप इसको क्या करना है कि हमें मैग्नेट बाहर नहीं निकालना है, जो ऊपर वाली जो सेल्फ वाली जो बड़ी वाली गियर देख रहे हैं ना इसको बाहर निकालना है। तो इसको ना आराम से निकालना है, क्योंकि ना इसके पीछे सेल्फ की गोलियाँ होती हैं, सेल्फ रोलर, तो वो बिखर जाएंगे। तो आराम से इसको बाहर निकालें ऐसे, ठीक है। और जो हमें काम करना है ना वो इस गिरारे में करना है, और इस यहाँ पर ये जो रोलर की जो ये दिख रहा है ना रोलर सेल्फ वाले, ये इसमें काम करना है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें कमी क्या आती है जिसकी वजह से ये साउंड बनती है, तो हमें इसमें क्या काम करना है, तो जो सेल्फ की जो गिरारी है दोस्तों, तो इसमें आपको एक बार मैं आपको ना साफ़ करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से आपको साफ़ करना है ऐसे, ताकि मैं आपको इसकी कमी दिखा सकूँ कि आपको करना क्या है। तो देखिए अब आपको एक फ्लैश ऑफ करता हूँ इसकी, ताकि आपको क्लियर आराम से नज़र आ सके, ठीक है दोस्तों। अब मैंने इसका फ्लैश ऑफ कर दिया है ताकि आपको आसानी से मैं दिखा सकूं। तो आप इस गिरारी को आप ध्यान से देखें ना, तो आपको यहाँ पर इस एरिया में देखो, देख कितने सारे ये खड्डे नज़र आ रहे हैं, देखिए धब्बे से नज़र आ रहे हैं ना बहुत सारे, देखिए ठीक रहे हैं ये जो खड्डे हो रहे हैं दोस्तों, इसकी वजह से ये आवाज़ बनती है। तो आपको क्या करना है, या तो इस गिरारी को नया डाल देना है, पूरी गिरारी को। अगर आपको नया नहीं डालना है, आप सस्ते में काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, सैंड पेपर लेना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस कैसा सैंड पेपर लेना है आपको। आपको इस प्रकार का सैंड पेपर लेना है जो कि बारीक होता है, जिसे कि हम देसी भाषा में रेगमाल भी बोलते हैं, तो ऐसा प्लेन वाला लेना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर उस पूरी गिरारी को रब करना है, यानी इसको ना घिसके एकदम प्लेन कर लेना है, जो ये जो खड्डे नज़र आ रहे हैं ना इसको, यानी खड्डे को ख़त्म कर देना है, बिल्कुल प्लेन कर देना है। अगर आपको रेगमाल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो लेथ वाला होता है ना, जिससे हम खराद वाला बोलते हैं, लेथ वर्क करते हैं जहाँ पर, तो लेथ वर्क वाले के पास आप क्या करना है, इसको ना बहुत बारीक इस पर कट लगवा लेना है,
बिल्कुल बारीक कट लगवाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से वही सैंड पेपर से इसको प्लेन करवा लेना है। तो इसके वजह से क्या होगा दोस्तों, ये बिल्कुल जब प्लेन हो जाएगा ना तो ये साउंड ठीक हो जाएगी। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, एक बार इसको एकदम साफ़ करके क्लीन करके फिर मैं आपको साउंड चेंज कराता हूँ। और मैगनेट में क्या करना है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। एक मिनट, पहले इसको फटाफट से प्लेन कर लेते हैं एक बार। ये दोस्तों चारों तरफ से बराबर घिसना है एकदम प्लेन, चारों तरफ से घुमा घुमा करके खिलाड़ी को। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देख रहे हैं धीरे धीरे अभी ये प्लेन हो रहा है, ये देखिए देख रहे हैं धीरे धीरे ये एकदम नया प्लेन हो रहा है। तो इस प्रकार इसको अच्छी तरह से प्लेन कर लेना है, ये खड्डे तो थे वो बिल्कुल ख़त्म कर देना है। तो देख रहे हो दोस्तों ये एकदम प्लेन हो गया है, देखिए देख रहे हैं गिरारी एकदम ऐसे प्लेन कर लेनी है रेगमाल की मदद से, सैंड पेपर की मदद से प्लेन वाला जो बारीक वाला होता है उससे करनी है, ठीक है। ये सब हो जाने के बाद दोस्तों अब हमें मैग्नेट में क्या करना है कि दोस्तों इसकी ना रोलर बैरिंग ये वाले ना देख रहे हैं, सॉरी बैरिंग का नाम आया, ये जो रोलर देख रहे हैं ना ये वाले जो सेल्फ गोली किट बोलते हैं जिसको, इनको सबको चेंज कर देना है, ठीक है, सारी नई डालनी है और उसके बाद हमको ये फिट करना है। तो चलिए मैं आपको ना फटाफट से इसको फिट करके और इसकी साउंड सुनाता हूँ फाइनली अब आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि ये वाले हम इसकी चेंज नहीं करने, क्योंकि ये वाले दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही चेंज हुए थे तो ये अभी सही है। पर आप जब भी मतलब इस तरह से गिराई ख़राब है तो ये रोलर किट और ये वाली रेगमाल से साफ़ करके फिर फिट करना है, ठीक है। सो दोस्तों पैकिंग वगैरह उतारने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद आप फाइनली इसको फिट करते हैं। तो फिट करने का तरीका सिंपल ही है दोस्तों, इस गिरारी को उल्टी डायरेक्शन में से सॉरी ऐसे घुमाना है ताकि ये रोलर पीछे की तरफ जाए और ये गिरारी आराम से अपनी जगह पर बैठ जाए। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ठीक है ऐसे घुमाना है, ये देखिए ठीक है ये हो गई है फिट, ओके। और इसके बाद लगाएंगे इसकी गिरारी ये वाली, ये यहाँ पर लगेगी और इसमें ना वाशर होता है, ध्यान देना है, ये देखिए देख रहे हैं एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दोनों तरफ वाशर होते हैं। इसको सिंपल ऐसे लगा देंगे, ये देखिए ठीक है ये लग गई है। और इसके बाद अब लगाएंगे इसकी पैकिंग, ठीक है, और इसके बाद लगा देंगे इसका कवर, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करके आपको आवाज़ और दिखा देता हूँ, यानी आवाज़ में अब कितना फ़र्क पड़ गया है। तो करते हैं इसकी चाबी ऑन, ये दोस्तों ऑटो चौक है ना इसलिए ओवरेस होती है, थोड़ी देर कुछ सेकंड होगी फिर नॉर्मल हो जाएगी, देख रहे हैं। अब दोस्तों साउंड सुनो आप, ये देखिए अब देख रहे हैं दोस्तों साउंड में कितना फ़र्क पड़ गया है, कि आपको पहले जैसी आवाज़ आ रही है, जैसे कि ऐसी लग रही थी जैसे कि टाइमिंग चेन ख़राब हो गई हो या फिर कैमरों पर कट गए हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इस चक्कर में, टाइमिंग चेन डाल देते हैं कैमरों पर तक बदल देते हैं तो भी समस्या सॉल्व नहीं होती, मेन बैरिंग तक बदल देते हैं यानी पूरा इंजन खोल के क्रैंक रिपेयर भी करा देते हैं फिर भी आवाज़ नहीं जाती है। तो मैंने आपको ये तरीका बताया है कि मैग्नेट ज़रूर एक बार चेक कर लें दोस्तों, ये समस्या वहाँ पर मिलती है। दोस्तों वीडियो में आपको कुछ सीखने लायक मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी।